चलिए, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए, मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से कुछ क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन बार बार NTPC में पूछा जा रहा है और इसका वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रह रहा है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है उस टाइप के पैटर्न को मैं लेके आया हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी हो, यानी कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान अगर कोई संख्या हो सी हो, तो अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा का मान क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे, अगर आपसे पूछे कि कॉस थीटा का मान क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे, इसी तरह के प्रश्न मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये तो हमारा पैटर्न हो गया, ये पैटर्न हो गया कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान c हो, तो अगर हमसे sin थीटा पूछे तो कुछ नहीं करना है, sin थीटा का जिक्र कर रहा है तो sin थीटा को लेना है और यहाँ जो दी गई संख्या है उसको नीचे लेना है और इसके गुणज में जो sin थीटा का है उसको ऊपर ले लेना है, यानी कि sin थीटा का मान हो जाएगा a बटा c। अगर हमसे cos थीटा पूछे तो cos थीटा क्या लेंगे, cos थीटा का जो गुणज है उसको ऊपर लिखेंगे और इस वाले संख्या को नीचे लिखेंगे, यानी कि sin थीटा बराबर a बटा c हो गया, cos थीटा बराबर b बटा c हो गया। अगर हमसे tan थीटा पूछे, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो यहाँ sin थीटा का मान क्या है a बटा c अगुने b बटा c, तो c ऊपर चला जाएगा b नीचे आ जाएगा, तो ये आपस में कट के क्या हो जाएगा a बटा b, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं sin थीटा का गुणक क्या है तो a है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं a, और cos थीटा का गुणक b है तो यहाँ a बटा b, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इस पे प्रश्न पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए इसी पैटर्न पे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा में cos sin थीटा का मान 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 हो, तो sin थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा, हमसे पूछे कि cos थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा का मान क्या होगा, हमसे पूछे कि cot थीटा का मान क्या होगा, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। आपको तो पता चल गया कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c के फॉर्मेट में हो, तो sin थीटा का मान पूछे तो a बटा c यानी कि 3/5, तो sin थीटा 3/5 हो गया, cos थीटा पूछे तो cos थीटा के गुणज में वाले को ऊपर और इस संख्या को नीचे तो 4/5, और tan थीटा पूछे तो sin थीटा बटा cos थीटा यानी कि 3/4। जब आप ये 3 वैल्यू निकाल लेंगे तो आपसे पूछे कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का मान आपका 5/3 हो जाएगा, अगर सेक थीटा का मान पूछे तो 5/4 हो जाएगा, अगर कोट थीटा का मान पूछे तो 4/3 हो जाएगा। तो क्या इस तरह का प्रश्न अगर आ जाए तो आपसे नहीं बनेगा, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। ये ऐसा पैटर्न मैं लेके आया हूँ, इसी तरीके से मैं बताने वाला हूँ, आने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इस टाइप के पैटर्न को TCS ने उठा लिया है। TCS अब इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि इस तरीके के प्रश्न भी बन सकते हैं। अब तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन देते कि 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का मान 6 हो, तो 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा का मान 1 हो, तो x का मान आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन वाइज आपको फॉर्मूला बताते चलूंगा ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। देखिए, अगर इस तरीके से दिया रहा है, फॉर्मेट समझिए, पैटर्न को समझिए, पैटर्न पकड़िए, क्या पैटर्न हमारा कह रहा है, पैटर्न कह रहा है कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान c हो और b sin थीटा माइनस a cos थीटा का मान अगर 1 हो, पैटर्न यही है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c हो और b sin थीटा माइनस 4 cos थीटा a cos थीटा माइनस 1 हो, तो इस टाइप के पैटर्न को हम
कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करना है, और ये करना है सी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बस यही कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पैटर्न समझिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस दी हुई संख्या का स्क्वायर, बस करना है आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। अब यहाँ पे क्या है, 4 साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान 6 है, और 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का मान x है। हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 36 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 5 11 के एक हाथ में एक एक दो, यानी कि ये 41 माइनस 36 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। तो 41 में 36 जाएगा कितना हो जाएगा 5, तो एक्स स्क्वायर का मान 5 हो गया। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 5, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स का मान यहाँ से क्या हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा, या आप इसको रूट 5 भी लिख सकते हैं। तो x का मान आपके पास क्या आ गया रूट 5। अगर आपसे कभी भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ दे कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान c हो, और b sin थीटा माइनस a cos थीटा का मान x हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे तो आपसे हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, आप इजीली इसको कर सकते हैं। बस इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे, ये जो कंसेप्ट है इसको दिमाग में रखेंगे कि इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, और इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन दिख जाए कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान 8 हो, और b sin थीटा माइनस a cos थीटा का मान 5 हो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। अभी हमने क्या बताया कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान अगर c दिया रहे, और b sin थीटा माइनस a cos थीटा का मान अगर x दिया रहे, तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते, इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेते हैं, और इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर जोड़ लेते हैं। अभी हमने इसको देखा है, अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, इसी तो पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 8 8 64 प्लस 50 25, जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8 8 89, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 89, हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप क्वेश्चन देखेंगे कि अच्छा a sin थीटा माइनस प्लस b cos थीटा, b sin थीटा माइनस a cos थीटा, अच्छा इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है, आप एग्जाम इजीली इसको कर सकते हैं। अगर कुछ अलग टाइप के पैटर्न हमको देखने को मिल जाए तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको एक पैटर्न मिल जाए कि cosec थीटा प्लस b cot थीटा का मान c दिया रहे, और b cosec थीटा प्लस a cot थीटा का मान d दिया रहे, तो आप उसको कैसे निकालेंगे। देखिए इसके पहले वाला हमने sin थीटा में लिया था, देखिए sin थीटा में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ इस केस में देखिए रिलेशन इसी में होगा, sin थीटा और cos थीटा में रिलेशन पूछेगा अधिकतर, या cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आपको ये समझ में आएगा यहाँ पे माइनस क्यों हो रहा है और यहाँ पे माइनस क्यों हो रहा है। देखिए इस वाले में भी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये चीज भी आपके दिमाग में आना चाहिए। जब ये चीज आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप जानते हैं क्या करेंगे, अगर इस टाइप के पैटर्न आपको दिखेगा तो इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस का जो फंडा है ना, वो गड़बड़ाएगा नहीं। अब देखिए कोसेक a कोसेक थीटा प्लस b कोट थीटा का मान अगर c दिया रहे, b कोसेक थीटा प्लस a कोट थीटा का मान d दिया रहे, तो आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर का मान 1 होता है, इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव प्रोसेस चलेगा, तो इसका वर्क करके इसमें से माइनस कर देंगे, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कर देंगे c का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, प्रोसेस वही है,
जो साइन थीटा में है वो कॉसेक थीटा में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस का सिर्फ डिफरेंट है। अगला देखिए, अगर ए सेट थीटा प्लस बी टेन थीटा का मान सी दिया रहा है और बी सेट थीटा प्लस ए टेन थीटा का मान डी दिया रहा है, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान वन होता है, यानी कि ये भी नेगेटिव में जाएगा। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, इसको आपको प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि एमटीपीसी इस प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आप उठाने ही वाला है, क्योंकि टीसीएस अपना लेवल उठा दिया है और त्रिकोणमिति पे यानी ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ध्यान दिया हुआ है, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा भी हम देखने वाले हैं। और प्रॉपर्टीज है उसको हम देख लें। देखिए, हमने अभी क्या कहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वन होता है, ठीक है। यहाँ से एक प्रॉपर्टीज निकलता है, देखिए ये क्या फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में, ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किस फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो क्या हम इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन। देखिए प्रॉपर्टीज यही से बनता है, इसलिए मैं ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। अगर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर एक्स हो, यानी कोई संख्या हो, तो अगर हमसे पूछे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होता है, तो ये प्रॉपर्टीज होता है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान एक्स हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान होता है एक बट्टा एक्स। अब ये कहां से आए, यही मैं बताने के लिए ये चीज खोला हूं। अगर देखिए सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमसे पूछे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर चला जाएगा तो एक बटा एक्स में आ जाएगा। अगर हमसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछे, तो ये सेक थीटा इधर चला जाएगा तो एक बटा में आ जाएगा। तो यही प्रॉपर्टीज निकलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कुछ एमटीपीसी में अगर पूछ ले कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर आठ है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आठ है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान एक बटा आठ होगा। तो आप डायरेक्ट इसमें आप सेकेंड यानी पांच सेकेंड से भी कम आप टाइम लगेगा, आप आंसर इसको दे सकते हैं। देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू, ठीक है, मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम भी इसमें पूछने की उम्मीद है, पूछा भी जा रहा है। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा की अगर बात करें, तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा। देखिए अगर मिनिमम की बात करें, तो साइन क्या होता है, मिनिमम माइनस वन होता है, मिनिमम माइनस वन होता है। अगर मैं मैक्स की बात करूं, तो ये क्या होता है, प्लस वन होता है। तो यहां से साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा मिनिमम की बात करें तो माइनस वन होता है, अगर मैक्सिमम की बात करें तो प्लस वन होता है। अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में अगर हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, तो मिनिमम वैल्यू होता है जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू होता है वन, ठीक है। अब हम आते हैं साइन थीटा हो गया कॉस थीटा हो गया, अगर हम बात करें टेन थीटा की, अगर बात करें टेन थीटा और कॉट थीटा की बात करें, तो ये माइनस इनफिनिट से ये प्लस इनफिनिट तक होता है, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक होता है, ठीक है। अगर हमसे पूछ ले कि 12 प्लस साइन थीटा में मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या हो जाए, ठीक है, अगर हमसे पूछे कि मैक्स क्या होगा इसका मिनिमम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन थीटा अगर मैक्सिमम की बात करें तो प्लस वन और मिनिमम की बात करें तो माइनस वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमसे मैक्स पूछा है तो 12 प्लस एक यानी कि 13 हो जाएगा, अगर हमसे मिनिमम पूछा है तो 12 माइनस एक यानी कि 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे मान लीजिए पूछ ले 17 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर हम मैक्स की बात करूं तो मैक्स की साइन थीटा क्या होता है, प्लस वन, और मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे जीरो होता है।
ये क्या हो जाएगा, मैथ की बात होगा तो 17 + 1 18, और मिनिमम की बात होगा तो 17 + 0 17 + 0 यानी कि 17 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम कौन होगा और मिनिमम कौन होगा, तो अगर हमसे मिनिमम पूछा जाए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा है, अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा के पैटर्न में हो, इस पैटर्न में कोई भी प्रश्न दिया रहे इस पैटर्न पे, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिखे अगर मिनिमम पूछे तो ए और बी में जो छोटा हो वही मिनिमम होगा, यानी इन ए और बी में जो छोटा होगा वही मिनिमम होगा, और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो ए बी में जो बड़ा हो वही मैक्सिमम होगा। अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 8 sin² θ प्लस 9 cos² θ में मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है, तो आप क्या कहेंगे। अभी हमने यहाँ आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जो साइन स्क्वायर के गुणज में और कोस स्क्वायर के गुणज में यानी ए बी में जो है जो बड़ा होगा इन दोनों में वही मैक्सिमम होगा, और जो छोटा होगा इन दोनों में वो मिनिमम होगा, तो यहाँ मैक्सिमम क्या है, 8 और 9 में 9 बड़ा है तो 9 मैक्सिमा हो जाएगा और 8 छोटा है तो मिनिमा हो जाएगा। क्या आप इस टाइप के प्रश्न आपको दिखेगा तो नहीं कर पाएंगे, अरे गर्दा उड़ा दीजिएगा इस टाइप के प्रश्न को, देखते ही आंसर, इसमें टाइम लगेगा 2 से 3 सेकंड में आप देखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हमसे कोई पैटर्न हो एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा दिया रहे, अगर एम साइन थीटा प्लस एन कॉस दिया रहे, अगर हमसे पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत इजी है, मैक्सिमम अगर कुछ भी होता है वो तो बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अंडर रूट इस m का स्क्वायर प्लस इस n का स्क्वायर, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा के जो गुणज में दिया रहेगा उसी का अंडर रूट में स्क्वायर करके लिख देंगे, वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। यानी मैक्सिमम तो प्लस में होता है, और मिनिमम की अगर बात की जाए तो बस कुछ नहीं करना है, माइनस लगा के सेम काम कर देना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो आपका मैक्सिमम अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया और मिनिमम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया। मान लीजिए हमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 3 sin θ प्लस 4 cos θ में मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा और मिनिमम वैल्यू कौन होगा, तो आप क्या कहेंगे, बस कुछ नहीं करना है, देखेंगे 3 और 4 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि अंडर रूट 25, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गया। जब आपको मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गया तो मिनिमम वैल्यू में क्या करना है, सिर्फ माइनस लगा के उस वैल्यू को लिख देना है, आपका आंसर आ गया -5, आपका आंसर आ गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू 5 होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।